my channel. I am here with a new topic, that is facts about India. These are some facts about India we have. Let's discuss it one by one. First, India location. India lies in the northern eastern hemisphere. Okay, and how it is, I will show you. This is our earth and this is the lines that divides it. Primary meridian, we call it. India lies here. I'm making a very rough diagram. India lies here. So this is the eastern hemisphere. This is western hemisphere. This is northern hemisphere. Just because it lies in this area, it touches this line also, so like this, we call it northern eastern, plus it and we call it northern eastern hemisphere. Okay, so that's why we call it northern eastern hemisphere. And the total geographical area we have 3287 3263 kilometers square. Okay, the important thing is ki India is the seventh largest country. इंडिया एरिया के वाइज में सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है. ठीक है, अब नंबर वन पे कौन सी आती है? रशिया. उसके बाद आती है चाइना एट द सेकेंड रैंक. थर्ड इज़ चाइना. फोर्थ इज़ यूएसए, देन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया. इंडिया इज द सेवन्थ पोजिशन. अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड सुदन. ओके गाइज, दीज आर द टॉप 10 कंट्रीज एट in the area wise. The next is latitudinal extent, that is 8 degree north to 37 degree north, 37 degree 6 time north. Okay, now longitudinal extent is 68 degree 7 time east to 97 degree 25 time east. Okay, this you guys, these two points guys, you just have to read it. No need to remember this, you just have to know. If you have that ability or the capability of remembering it, you can. But कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की. ठीक है, नेक्स्ट इज अवर coastline. Coastline का हमारा डिस्टेंस है 7516.6 km, जिसके अंदर हमारे आइसलैंड्स भी आ जाते हैं. दैट इज़ द अंडमान निकोबार आइसलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड्स. वी कवर ऑल इन इट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर. नेक्स्ट, नाउ दिस गाइज यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है. पहला है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात अगर हो रही है तो आपको यहाँ से यही पहले ही पता लग जाता है कि नॉर्थ पोल की बात हो रही है. अब नॉर्थ साइड में हमारी कौन सी स्टेट्स आती है? वी ऑल नो सबसे टॉप पे कौन सी स्टेट है हमारी? जम्मू एंड कश्मीर. उसके पॉइंट को नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में, जम्मू एंड कश्मीर में कहा जाता है उसको इंदिरा COI. ओके, एंड द साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा हमारा गाइस? आइसलैंड, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वाले हमारे एरिया जो नीचे गए वहाँ पे वर होगा, उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट. सो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में कि नॉर्दर्न पॉइंट को हम इंदिरा बोलते हैं और साउथर्न पॉइंट को इंदिरा बोलते हैं. ओके, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. ओके, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को हम गाइस किबितू बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे आता है. एंड वी ऑल नो कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है. After this, I will show you in the map also. Now, western most point is Guhar Moti, जो कहाँ पर है हमारा? गुजरात में. अब मैं आपको map में इसको बताती हूँ. This is our Jammu and Kashmir. Guys, this is our Jammu and Kashmir. इसका जो ये point है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, we call it इंदिरा. ओके, एंड नेक्स्ट हेयर, आई एम मेकिंग इट लाइक हेयर गाइस. दिस पॉइंट हेयर इज अवर अरुणाचल प्रदेश, एंड इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? किबितू. ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज अवर लोअर पॉइंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट. तो यहाँ पे
आइसलैंड्स वाला एरिया आ गया ना, इसको हम बोलते हैं इंदिरा, इंदिरा पॉइंट. एंड लास्ट वी हैव दिस एरिया, गुजरात एरिया. एंड इस वाले एरिया को यहाँ पे इसका जो पॉइंट है वेस्ट पॉइंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, गुहार मोती. तो गाइज आई हैव शोन यू इन द मैप, एंड इफ यू जॉइन द एजेस, आई एम जस्ट मेकिंग अ वेरी रफ डायग्राम हेयर, सो इफ यू जॉइन इट, इट्स लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अ वेरी रफ डायग्राम, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द पॉइंट्स. मुझे सिर्फ आपको पॉइंट्स बताने थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लाई करती है. ओके गाइज, ओके नेक्स्ट. अब गाइज ये क्या है, ये हमारी वो स्टेट्स है जो बाकी हमारी जो बाउंड्रीज कंट्रीज है, लाइक जैसे पाकिस्तान है हमारा, चाइना है, बांग्लादेश, ये सब बाउंड्रीज शेयर करते हैं, सब बॉर्डर एरियाज पे हमारी बहुत सारी स्टेट्स है जो इनके साथ टच होती हैं. तो वो स्टेट्स को अभी हम देखेंगे. गाइस पहली जो हमारी है, वी ऑल नो पाकिस्तान को सुनते हम सबको गुस्सा आ जाता है, एंड वी ऑल हेट पाकिस्तान, बट स्टिल पेपर में तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें. ओके, तो पाकिस्तान के साथ जो स्टेट्स हमारी कनेक्ट होती हैं, टच होती है, शेयर करती है अपनी बाउंड्री, वो है पहले तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ये आप सबको पता है, हर वक्त न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं. अभी अभी थोड़े समय पहले इसमें 370 आर्टिकल को यू नो ख़त्म किया गया है, सो द स्पेशल राइट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट स्टेट, सो नाउ इट्स अ यूनियन टेरिटरी. ओके, इफ़ एनी वन ऑफ यू, आप लोगों को पता नहीं है होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है चाइना, जिसके साथ इस वक्त हमारी बहुत ही यू नो क्रिटिकल कंडीशन चल रही है. बहुत सारे हमारे इनके साथ अभी बातें चल रही हैं, हमारी झगड़े हो रहे हैं एट दैट LOC एरियाज पे. सो इनके साथ भी हमारा काफ़ी कंफ्यूजन अभी इस टाइम पे क्योस क्रिएट हुआ हुआ है, बट ओके इट विल बी सॉर्टेड वेरी सून. सो विद चाइना द स्टेट्स दैट शेयर बाउंड्रीज आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. ओके, दीज फाइव शेयर बाउंड्रीज विद चाइना एंड दीज फोर शेयर बाउंड्रीज विद पाकिस्तान. लेट्स मूव टू अनदर. नेक्स्ट नेक्स्ट इज गाइस वी हैव नेपाल. अब नेपाल के साथ हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम. दीज फाइव स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद नेपाल. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है भूटान. गाइज अभी नेपाल के साथ भी हमारा काला पानी, अगर आपने न्यूज़ देखते हैं आप लोग, काला पानी के ऊपर इशू चल रहा था कि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो हमारे एरिया से बहती हुई जाती है, जबकि वो दोनों मतलब वहाँ पे पहले ही बात हो रखी है, लेकिन अभी कुछ मन मुटाव के चलते वो कह रही कि वो हमारे वहाँ से बहती है. तो कोई बात नहीं, नेपाल तो हमारे भाई दोस्त हैं, उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है फॉर मैनी काफ़ी टाइम से, तो ये तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और हो भी रहा है, मोदी जी कर रहे हैं. सो नेक्स्ट वी हैव भूटान. ओके, दैट इज़ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश. दीज फोर शेयर बाउंड्रीज विद भूटान. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज गाइस वी हैव म्यांमार. म्यांमार के साथ जो हमारी स्टेट्स है जो शेयर करती बाउंड्रीज, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. दीज फोर स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विद म्यांमार. ओके, नेक्स्ट वी है बांग्लादेश. बांग्लादेश के साथ हमारी फाइव स्टेट्स लगती है, कौन कौन सी, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. दीज फाइव स्टेट्स आर देयर विच शेयर बाउंड्रीज विद बांग्लादेश. ओके, आई होप दिस इज क्लियर विद यू. नेक्स्ट गाइज, दीज आर सम मोर फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए. दैट इज, उत्तर प्रदेश हमारी एक ऐसी स्टेट है जो 8 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है, एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करती है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ शेयर करती है, दैट इज नेपाल. और हमारी यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसके साथ वो शेयर करती है, दैट इज दिल्ली. और जो 8 स्टेट्स है जो शेयर करते हैं इनके साथ, वो कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार. दीज 8 स्टेट्स आर देयर. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कई बार एक या एक दो नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है SSC लेवल पे या किसी भी लेवल पे. सो गाइस दीज आर सम बेसिक थिंग्स, आपको ये आनी चाहिए, पता होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है असम.
असम भी एक ऐसी स्टेट है जो शेयर करती है बाउंड्री 7 स्टेट के साथ और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ। 7 स्टेट कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। ये 7 स्टेट्स हैं जिसके साथ असम क्या करती है, अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ओके गाइज, नेक्स्ट वी हैव, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 9 इंडियन स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है। अब कोस्टल का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जो हमारे कहाँ आती है, दिस एरिया गाइज। आई एम मेकिंग वेरी रफ डायग्राम, प्लीज। ओके, दिस एरिया, हेयर इट इज अवर अरेबियन सी, हेयर इट इज बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे गाइज जो भी स्टेट्स आती है, लाइक हेयर हेयर हेयर, आई एम जस्ट मेकिंग अ पिन पॉइंट्स, नॉट क्लियरली मैंशनिंग ओवर हेयर जो स्टेट्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेयर वी हैव वाटर, ओशंस आर देयर, है ना, यहाँ पे पानी है। तो जो एरिया, जो लैंड पानी के साथ टच होती है, उसे हम कोस्टल लैंड बोलते हैं, ठीक है, कोस्ट लाइन बोला जाता है उसको। ओके, तो ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं हमारी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्रीज यहाँ पर शेयर करती है, किसके साथ? कोस्टल बाउंड्री के साथ। आई होप ये आपको क्लियर है। ओके गाइज, नेक्स्ट, ओके गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ माई वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक दिस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स ईजीली अवेलेबल हो सके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइज, मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर दूँगी, तो आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इट्स वेरी ईजी फॉर यू to easily access to my video. Thank you so much. Bye bye.